हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज DIC, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहती है कि DIC जो है, DIC एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। इससे जो है लाइफ के डेथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस डिज़ीज़ में क्या होता है, जितने भी आपके क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो सारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं। और फिर अगर बाद में इंजरी होती है तो फिर क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं रहते हैं वहाँ पर, प्लेटलेट्स का कोएगुलेशन या फिर क्लोट्स जमाने के लिए, ताकि ब्लीडिंग रुके। तो उस टाइम पर क्लोटिंग फैक्टर ख़त्म होने की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है आफ्टर दैट, इसीलिए ये जो कंडीशन है लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। ओके, सो डेफिनेशन आप इसमें से इंग्लिश में पढ़ लेना, बाकी मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है। मेनली ये क्या होता है कि इट इज़ एन इम्बैलेंस बिटवीन फाइब्रिनोलाइसिस एंड क्लोटिंग फैक्टर। ओके, क्लोट्स ये जो है एक इम्बैलेंस कह सकते हैं, मतलब मीन्स क्लोट्स तो ज़्यादा बनने लग जाते हैं बट फाइब्रिनोलाइसिस जो है कम होता है, तो इट इज़ एन इम्बैलेंस कंडीशन, ठीक है। नॉर्मली ये वाली जो कंडीशन है ये होनी चाहिए बॉडी में, बट जब ये वाली कंडीशन होती है तो हमारी बॉडी में जो है प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने लग जाता है, दैट इज़ DIC। नेक्स्ट, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो मैं आपको शो करती हूँ क्या होता है कि जो भी कभी इंजरी होती है, तो इंजरी होने के बाद सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद वहाँ पर प्लेटलेट्स आकर के जम जाते हैं, ठीक है। ये जो रेड यहाँ पर प्लेटलेट्स आकर जम जाते हैं, उसके बाद आता है क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर आकर वहाँ पे जम जाता है, उसके बाद आता है फाइब्रिन, ठीक है। फाइब्रिन आकर वहाँ पर नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसकी वजह से जो है ब्लीडिंग बाहर नहीं हो पाती। तो नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है ब्लीडिंग को रोकने का हमारी बॉडी में, ठीक है। अब हम इसकी इटियोलॉजी देखते हैं कि DIC किस किस रीज़न से हो सकता है। जब भी ऐसे प्रोटीन की कमी हो जाए बॉडी में जो कि क्लोटिंग फैक्टर्स को बनाने में एक्टिवेट करते हैं, उनकी कमी हो जाए तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर आपको हाइपोथर्मिया हो उसकी वजह से, वेनमस स्नेक बाइट की वजह से हो सकता है, पेनक्रियाटाइटिस, इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियास, इसकी वजह से भी हो सकता है, बर्न्स एंड कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, नेक्स्ट वी विल गो फॉर नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट इमेज में यहाँ पर ये जो हुआ है ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन आपकी हो गई है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर सब कुछ आ करके यहाँ पर जमना स्टार्ट हो जाता है और ब्लीडिंग को रोक देते हैं। एंड ब्लीडिंग को रोकने के बाद क्या, ब्लीडिंग कैसे रुकी, आपने फर्स्ट वाले डायग्राम में देखा कि ब्लीडिंग कैसे रुकी थी, फाइब्रिन आए वहाँ पर और क्लोट्स आए और सॉरी क्लोटिंग फैक्टर्स आए और प्लेटलेट्स आए, इन सब ने मिलकर क्लोट का फॉर्मेशन किया है ना। लेकिन आफ्टर दैट जब ब्लीडिंग रुक गई है, तो ब्लीडिंग रुकने के बाद जो क्लोट है उसको भी वहाँ से हटना होगा ना, वो तो वहाँ पर हर टाइम के लिए नहीं रह सकता, तो उसको हटने के लिए वहाँ पर एक प्रोसीजर होता है फाइब्रिनोलाइसिस, मींस जो फाइब्रिन ने वहाँ पर नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया है उसका ब्रेक डाउन होना, ठीक है। ये जो छोटे छोटे देख रहे हैं आप, ये फाइब्रिन का ब्रेक डाउन होकर के वापस सर्कुलेशन में जा रहा है, तो यही चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं DIC में। नेक्स्ट, अगर आप बात करें पैथोफिजियोलॉजी, तो क्या होती है कि किसी भी इंजरी की वजह से, ड्यू टू एनी इंजरी या फिर किसी भी कंडीशन की वजह से इटियोलॉजी जो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है। अभी हम नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं कि नॉर्मली पैथोफिजियोलॉजी ब्लड के क्लोटिंग की कैसी है। सो उसके बाद प्लेटलेट्स एंड क्लोटिंग फैक्टर का और फाइब्रिन का एक्यूमुलेशन होता है उस जगह पर। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्लोटिंग फैक्टर है और ये कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, ये सिंथेसाइज होते हैं लीवर में। ओके, ये लीवर से सिंथेसाइज होते हैं क्लोटिंग फैक्टर, उसके बाद जहाँ पर ब्लीडिंग होती है उस जगह पर आते हैं। ओके, वहाँ पर फाइब्रिन आ करके वहाँ पर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है और ब्लीडिंग उससे रुक जाती है। बट आफ्टर ब्लीडिंग, ठीक है, स्टॉप फाइब्रिन बैक इन टू बाय फाइब्रिनोलाइसिस, वही जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद
अगर ये DIC में क्या होता है कि इम्बैलेंस हो जाता है, इन DIC इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट तो क्या होगा, बिकॉज क्लोटिंग फैक्टर आपके एग्जॉस्ट हो गए हैं, ठीक है, आपके जो भी क्लोटिंग फैक्टर हैं वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो एग्जॉस्ट होने की वजह से वहाँ पर लाइसिस और क्लोट्स की फॉर्मेशन होने लग जाएगी। क्लोट्स तो कम बनेंगे, बट वहाँ पर आपकी लाइसिस की फॉर्मेशन में भी जो है आप कह सकते हैं या तो कमी आ सकती है या फिर वो पहले से हो चुकी है, तो उसमें कर सकते हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब थ्रोम्बस फॉर्मेशन आपको पता है कि क्या होता है, क्लोट्स का बनना, दैट इज थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ठीक है। ये दोनों चीज़ होने की वजह से क्या होता है कि आफ्टर दैट ये दोनों चीज़ें होने की वजह से वो क्या कॉज करता है, फर्दर थ्रोम्बस भी कॉज कर रहा है और वो ब्लीडिंग भी कॉज कर रहा है, ये दोनों चीज़ें कॉज कर रहा है, तो ये इम्बैलेंस कंडीशन हो गई ना। इम्बैलेंस कंडीशन होने की वजह से फाइब्रिनोलाइसिस भी हो रहा है और थ्रोम्बस का भी फॉर्मेशन हो रहा है, बट ये बैलेंस्ड नहीं है कंडीशन, है ना, बैलेंस्ड कंडीशन नहीं हो रही है, दोनों हो रहा है बट बैलेंस्ड नहीं है, तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ DIC। ओके, यही आपको समझना है कि पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है। नेक्स्ट आप देखिए, ये एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में आपको ये जो ग्रीन कलर से देख रहे हैं, दीज आर क्लोटिंग फैक्टर्स, ओके, दीज आर प्लेटलेट्स ब्लीडिंग होने के बाद, और यहाँ पर ही आएंगे, अब यहाँ पर क्या आएंगे, यहाँ पर आएंगे फाइब्रिन, ओके, अब यहाँ पर आएंगे ऐसे फाइब्रिन आएंगे यहाँ पर, और फाइब्रिन आने के बाद यहाँ पर ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ से जो है ब्लीडिंग नहीं होगी, और ब्लीडिंग नहीं होगी तो फिर वहाँ पर जो है क्लोट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और ब्लीडिंग रुक जाएगी। आफ्टर दैट यही जो है वो फाइब्रिनोलाइसिस होगा और ये वापस ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि उसको ये हुआ है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। सिम्टम्स में अगर आप बात करें तो ब्लड क्लोट फॉर्म होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा, इजी ब्रशिंग एंड रेक्टल एंड वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, और स्किन पर पैचेस दिखाई देंगे जो कि रेड डॉट्स की उसमें आपको स्किन पर पैचेस दिखाई देंगे। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर, किस किस को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसके, उसमें है किसी की अगर सर्जरी हुई है तो उसको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ओके। अगर किसी लेडी की डिलीवरी हुई है तो उस लेडी को DIC हो सकता है, इनकम्प्लीट मिसकैरेज हुआ है उस केस में, ठीक है, किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, एनेस्थीजिया है, सेप्सिस या फिर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हो सकता है, एंड कोई डिजीज़ है ब्लड से रिलेटेड लाइक ल्यूकीमिया, ओके, इट इज़ कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, तो उसकी वजह से हो सकता है, एंड सीरियस टिश्यू डैमेज की वजह से भी आपको ये चीज़ें हो सकती है, एंड अगर किसी को लीवर डिजीज़ है तो उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज लीवर क्या करता है, आपके क्लोटिंग फैक्टर्स को सिंथेसाइज करता है, तो अगर आपके क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसाइज नहीं होंगे तो वहाँ पर ब्लीडिंग का चांसेस जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट डायग्नोसिस कैसे करेंगे आप, डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले आप करेंगे DVT। DVT क्या होता है, CBC, CBC करेंगे, CBC क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट में आप क्या देखेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट में हम देखते हैं कि जो प्लेटलेट्स है, RBCs है, WBCs है, ये सब प्रॉपर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। नेक्स्ट आप करेंगे PT मीन्स प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट, प्रोलोंग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, आएगा इसमें अगर आप करेंगे तो, एंड नेक्स्ट PTT करेंगे, प्रोलोंग पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम चेक होता है, नेक्स्ट डाइमर टेस्ट होता है, और फाइब्रिनोजन का टेस्ट होता है जिसमें फाइब्रिनोजन लेस आता है, ठीक है, जिसमें फाइब्रिनोजन नॉर्मल जो अमाउंट है, क्वांटिटी है हमारी बॉडी में, उससे वो लेस आता है डायग्नोसिस में। नेक्स्ट अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में जो ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का, इस हिसाब से किया जाता है कि कहाँ पर हो रहा है, अगर हर जगह CNS में हो रहा है, DIC, ठीक है, और या फिर कहाँ पर हुआ है, उसके हिसाब से उसके ट्रीटमेंट की जाती है। हम उसमें यूज़ करते हैं एंटी कोएगुलेंट्स ड्रग यूज़ करते हैं क्योंकि जो क्लोट्स बन रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं और फाइब्रिनोलाइसिस थोड़ा सा कम हो रहा है, तो क्लोट इम्बैलेंस कंडीशन की वजह से आपको क्या करना होगा कि फाइब्र एंटीकोएगुलेंट्स यूज़ करने होंगे। नेक्स्ट ब्लड कंपोनेंट्स आप यूज़ करेंगे, जैसे कि प्लाज्मा की कमी है तो आपने प्लाज्मा उसको देना है, बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर, ठीक है,
एंटीफाइब्रिनोलाइटिक्स ड्रग यूज़ करते हैं हम, ताकि फाइब्रिनोलाइटिक जो है कम हो, जो फाइब्रिनोलाइसिस हो रहा है उसमें और फॉर्मिंग क्लॉट में बैलेंस की कंडीशन एक आ जाए उसके लिए। नेक्स्ट रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एक्टिवेटेड प्रोटीन सी एंड एंटीफाइब्रिनोलाइटिक एजेंट वही सेम हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले पेशेंट की हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, हिस्ट्री उसके बाद हम उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं और उसको हर 2 घंटे में उसकी पोजीशनिंग चेंज करनी होती है, ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं। स्किन को, जो उसकी स्किन है उसको क्लीन एंड मॉइस्चर रखना है जहाँ पर भी DIC हुआ है। फर्दर द रिड्यूस ऑफ स्किन डैमेज स्टिकी टेप्स शुड बी अवॉइडेड। ओके, स्किन की डैमेज को रिड्यूस करने के लिए जो स्टिकी टेप्स होते हैं जिनसे हम फिक्स करते हैं कैनुला वगैरह, वो अवॉइड करने हैं। टेम्परेचर उसका मेंटेन करना है प्रॉपर अमाउंट में एंड इंट्रावेनस एसेस शुड बी मेंटेन एट ऑल टाइम्स, मीन्स जो भी उसको IV फ्लूड देना है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस उसकी बॉडी में हो उसको मेंटेन करना है। ब्लड प्रेशर, ECG ये सब आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज नर्सिंग मैनेजमेंट एंड आफ्टर दैट नर्सिंग मैनेजमेंट के बाद लास्ट टॉपिक में आप डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट DIC।